देश के कई शहरों में धार्मिक कट्टरता फैलने का खतरा, खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट के मुताबिक कट्टर इस्लामिक संगठन कई शहरों में पैठ बनाने की कोशिश में जुटे, केरल के इस्लामिक संगठन धार्मिक कट्टरता फैलाने में लगे। भारत नेपाल सीमा पर भी धार्मिक कट्टरवाद फैलाने का प्रयास जारी, रिपोर्ट के मुताबिक कट्टर इस्लामिक संगठनों के निशाने पर असम में रह रहे बांग्लादेशी मुसलमान। श्रीलंका में सीरियल ब्लास्ट के बाद देश में भी धार्मिक कट्टरता बढ़ने का खतरा, गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट, खाड़ी देशों से आए पैसे से कई शहरों में साजिश की आशंका। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद एक्शन में आया गृह मंत्रालय, आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे कट्टर इस्लामिक संगठनों पर नजर रखी जाएगी। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने की आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक, एनएसए अजीत डोवाल भी बैठक में पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में होम सेक्रेटरी राजीव गौबा, रॉ चीफ अनिल धस्माना और स्पेशल डायरेक्टर आईबी भी रहे मौजूद, कई मुद्दों पर गृह मंत्री ने की चर्चा। अमित शाह के विजन कश्मीर की शिवसेना ने की तारीफ, सामना में लिखा जम्मू कश्मीर में बने हिंदू सीएम, कश्मीरी पंडितों की हो घर वापसी। विदेश मंत्री बनने के बाद पहली बार ग्लोबलाइजेशन के मुद्दे पर बोले एस जयशंकर, दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा आर्थिक मजबूती के लिए विदेश नीति अहम। शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर पद पर ठोका दावा, पार्टी की दलील ये मांग नहीं हक है, एनडीए में हम हैं दूसरी बड़ी पार्टी। सबसे वरिष्ठ सांसद होने की वजह से मेनका गांधी चुनी जा सकती है प्रोटेम स्पीकर, ऐसे में सोनिया गांधी को दिलाएंगे शपथ। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने अकबर को बताया चरित्रहीन, कहा कुकृत्यों के लिए बदनाम था अकबर का मीना बाजार, इसे किरण देवी ने बंद कराया था। राजस्थान में स्कॉलरशिप परीक्षा से दीनदयाल उपाध्याय का नाम हटाने से बढ़ा विवाद, बीजेपी ने गहलोत सरकार पर लगाया छोटी मानसिकता का आरोप। यूपी के ललितपुर से बीजेपी विधायक रामरतन कुशवाहा का विवादित बयान, अधिकारियों और कर्मचारियों को जूते से पीटने की दी धमकी, एसपी बीएसपी का पक्ष लेने वाले अधिकारियों को दी चेतावनी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जाएंगे, अयोध्या के विकास कामों की समीक्षा करेंगे। अयोध्या में सीएम योगी महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में भी शामिल होंगे, रामलला का दर्शन भी कर सकते हैं योगी। 15 जून को अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करेंगे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, शिवसेना के सभी 18 सांसद भी रहेंगे मौजूद। राम मंदिर पर शिवसेना के संजय राउत बोले इस बार राम मंदिर का काम शुरू होगा, मंदिर निर्माण शुरू ना हुआ तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को फिर आया गुस्सा, सेल्फी लेने आए एक युवक को झिड़का। चुनाव में हार के बाद पहली बार प्रियंका प्रयागराज जाएंगी, कल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगी, मीटिंग में 40 जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में अहम बैठक, मंत्रिमंडल की बैठक में सिद्धू शामिल नहीं हुए। एविएशन घोटाले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए पूर्व उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल, पहले से तय कार्यक्रमों में व्यस्तता का दिया हवाला, प्रवर्तन निदेशालय से कहा किसी और दिन आ सकता हूं। मालेगांव ब्लास्ट की सुनवाई कल तक टली, अस्पताल में भर्ती होने की वजह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट में नहीं हुई पेश। मालेगांव ब्लास्ट केस में एक गवाह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, सुनवाई से गायब रहने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा। कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अर्जी दी, बीमार ससुर से मुलाकात के लिए इजाजत मांगी, खनन घोटाले में जेल में है बंद। सोमवार से लापता वायुसेना के विमान यान 32 का अब तक कोई सुराग नहीं। पाकिस्तान के विदेश सचिव की भारत यात्रा को भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया निजी, कोई औपचारिक बैठक तय नहीं, कुछ समय पाकिस्तान के साथ किसी तरह की बातचीत संभव नहीं, एससीओ समिट में भी पाकिस्तान के साथ मीटिंग का कोई शेड्यूल नहीं। मोदी राज पार्टियों में सस्ती ईएमआई का तोहफा, आरबीआई ने रेपो रेट में की कटौती। आरबीआई ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी की, ब्याज दरों में कटौती से लोन की ईएमआई में जनता को मिलेगी राहत। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती, लगातार तीसरी बार कटौती से रेपो रेट 9 साल में सबसे कम। रेपो रेट 0.25% घटकर 5.75% हुई, रिवर्स रेपो रेट 0.25% घटकर 5.5% हुई।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट, पेट्रोल 16 पैसे डीजल 34 पैसे प्रति लीटर सस्ता। दिल्ली में पेट्रोल 71.07 रुपए, डीजल 65.22 रुपए प्रति लीटर हुआ। जयपुर में मिलावटी पेट्रोल से पंप मालिक परेशान, पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों में खराबी की शिकायत। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बेरोजगारी और विकास दर के जारी आंकड़ों पर दो दिन बाद तोड़ी चुप्पी, देश की जनता पर कसा तंज, लिखा अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। दिल्ली एनसीआर में गर्मी और लू का प्रकोप जारी, 42 डिग्री तक पहुंचा तापमान, शाम तक धूल भरी आंधी चल सकती है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आज भी भीषण गर्मी जारी, देर शाम तक बारिश की उम्मीद दिल्ली वालों को मिल सकती है। इस साल करीब एक हफ्ते की देरी से पहुंचेगा मॉनसून, मौसम विभाग ने पुरानी भविष्यवाणी में किया बदलाव, कहा 8 जून तक केरल पहुंचने की संभावना। केरल में मॉनसून से पहले की आहट, त्रिवेंद्रम के कई इलाकों में प्री मॉनसून बारिश, किसानों के चेहरे खिले, प्रशासन ने भी मॉनसून के लिए शुरू की तैयारी। बेंगलुरु में मॉनसून से पहले तेज बारिश ने शहर को भिगोया, शहर के कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी, गर्मी से मिली राहत। चिकमंगलुरु में कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने की बारिश के लिए पूजा, ऋषि श्रृंगेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। कर्नाटक के बेलगाम में बारिश के लिए लोगों ने की येलम्मा मंदिर में पूजा, पारंपरिक तौर पर मानसून से पहले हर साल बारिश के लिए विशेष पूजा की जाती है। रांची में भी तेज धूप और गर्मी से बेहाल हुई जनता, पारा 43 डिग्री तक पहुंचा, 2 से 3 दिन तक राहत के आसार नहीं। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बिजली गिरने से 10 लोग झुलसे, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में द बर्निंग बस, 20 सड़क पर धू धू कर जली बस। बिहार के बेतिया में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के भाई पीनू डॉन पर दुकानदारों को बुरी तरह पीटने का आरोप, पूरा मामला सीसीटीवी में कैद भी हो गया है, मामला 3 जून का है। झारखंड के चायबासा में भीषण गर्मी में मची कोल्ड ड्रिंक की लूट, छात्रा को टक्कर मार आगे पलट गया था कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक। कोई बाइक से, कोई स्कूटी से, कोई ई रिक्शा से, तो कोई ऑटो से, जिसके पास कुछ नहीं तो वो सिर पर ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल ढोकर भाग निकला। यूपी के बलिया में जमीन विवाद में फायरिंग, एक व्यक्ति को गोली लगी, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बिजली गिरने से 10 लोग झुलसे, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोलकाता के थिएटर में हंगामा, नई फिल्म रिलीज होने पर 2 सुपरस्टार्स के फैंस आपस में भिड़े, कई घायल, सिनेमा हॉल को बंद किया गया। अक्षय कुमार की राउडी राठौर का बनेगा सीक्वल, अगले साल शुरू हो सकती है शूटिंग। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने खरीदा नया बंगला, $8 करोड़ यानी करीब 554 करोड़ रुपए में खरीदे गए इस घर में जेफ बेजोस अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेंस सांचेस के साथ रहेंगे। भारत की कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुका पाकिस्तान, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ईद के मौके पर आतंकी हाफिज सईद को नहीं करने दिया गया नमाज का नेतृत्व। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, कई साल से पाकिस्तान में कर रहा था ईद की नमाज का नेतृत्व, पाक सरकार ने हाफिज को गिरफ्तार करने की धमकी भी दी। जीत के बाद रोहित शर्मा की हुंकार, हम किसी एक के भरोसे नहीं, इस टीम की यही पहचान। आज वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टइंडीज के खिलाफ टक्कर, दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में जीत चुकी हैं अपना पहला मैच, नॉटिंगम के टेंट ब्रिज मैदान पर खेला जाएगा मैच। FIH वर्ल्ड सीरीज फाइनल में आज भारतीय हॉकी टीम की टक्कर रूस के खिलाफ, भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। टूर्नामेंट भारतीय हॉकी टीम के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने का अहम मौका, 8 में से 2 टीमों को ओलंपिक क्वालिफायर के 2 स्थानों के लिए जगह मिलेगी।